हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हैं? बीएससी सेकंड ईयर के बच्चों का भगवती पीजी ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पूर्व के वीडियो में जो टॉपिक चल रहा था केमिकल रिएक्शन ऑफ फिनॉल, फिनॉल की रासायनिक अभिक्रियाएं हम पढ़ रहे थे और उन रासायनिक अभिक्रियाओं के अंदर हमने फिनॉल की अम्लीय प्रकृति के बारे में आपको बता रहे थे। इससे जुड़े हुए हमने पूर्व के वीडियो में कई क्वेश्चन भी पढ़े थे। क्वेश्चन जो आपके थे, फिनॉल की अनुनादी संरचना बनाए, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था आपका। दूसरा क्वेश्चन हमने आपका पढ़ा, फिनॉल में अल्कोहल की अम्लीय सामर्थ्य की तुलना कीजिए। इसी का हमने अगला क्वेश्चन पढ़ा था कि फिनॉल अल्कोहल से अधिक अम्लीय होता है, क्यों? अगला क्वेश्चन हमने इसी का पढ़ा था, फिनॉल एक अम्लीय है जबकि अल्कोहल एक उदासीन है। तो इस प्रकार का हमने प्रश्नों का अध्ययन किया था पूर्व के वीडियो में जो इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद में हमने फिनोक्साइड आयन की अनुनादी संरचना पढ़ी, ये भी क्वेश्चन पढ़ा था। और अगला क्वेश्चन हमने पढ़ा था कि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल का अम्लीय प्रकृति पैरा नाइट्रोफिनॉल की तुलना में कम होती है। तो हमने कहा ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल के अंदर अंतर हाइड्रोजन बंद होता है, इस कारण से वो एच प्लस का आसानी से त्याग नहीं करता है, इस कारण से वो पैरा नाइट्रोफिनॉल की तुलना में कम अम्लीय होता है। तो ये हम सब पूर्व के वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज के वीडियो में हम आपको फिनॉल की अम्लीय प्रवृत्ति की अभिक्रियाएं पढ़ रहे हैं। फिनॉल की अम्लीय प्रवृत्ति की अभिक्रियाएं हम रिएक्शन पढ़ रहे हैं। तो देखिए, नंबर एक सोडियम के साथ, नंबर एक पढ़ रहे हैं हम C6H5OH सोडियम के साथ हम अभिक्रिया करा रहे हैं। सोडियम के साथ हम फिनॉल की अभिक्रिया करा रहे हैं, तो ये H प्लस का आसानी से त्याग कर देता है। और ये देखिए आपका C6H5OHA और ये आपका H प्लस बाहर निकल जाता है प्रोटॉन के रूप में। तो इस प्रकार से ये देखिए आपका Na प्लस और ये माइनस, तो ये बन गया आपका सोडियम फिनोक्साइड। तो एच प्लस आयन का क्या करता है, अम्लीय प्रभाव को प्रदर्शन करता है। दूसरी अभिक्रिया पढ़ रहे हैं सोडियम हाइड्राइड के साथ C6H5OH+NaH। आप देखिए ये आपका सोडियम यहां पर रहा C6H5ONa+, ये हाइड्रोजन गैस मुक्त हो गई, ये बन गया आपका सोडियम फिनोक्साइड। एच प्लस आयन का आसानी से क्या हो रहा है, ये देखिए आप, ये आपका फिनॉल, ये लीजिए आपका फिनॉल, ये हो गया सोडियम सोडियम हाइड्राइड, सोडियम ये आपका हो गया हाइड्राइड। तीसरी अभिक्रिया हम एल्केलीकरण, फिनॉल का हम एल्केलीकरण कर रहे हैं। तो देखिए C6H5OH प्लस एक्स बॉन्ड एल्किल हैलाइड के साथ अभिक्रिया कर रहे हैं, ये एच प्लस और ये माइनस, ये लीजिए। तो एच प्लस का क्या करना, C6H5OH और ये आपका एच एक्स बाहर निकल गया। तो इस प्रकार से देखिए ईथर का निर्माण हो गया। अब हम ईथर का संश्लेषण पढ़ रहे हैं, चौथी रिएक्शन है हमारा ईथर का संश्लेषण, ईथर का निर्माण, ईथर का हम संश्लेषण पढ़ रहे हैं। तो देखिए ये हमारा फिनॉल C6H5OH+HOCH, ये हमारा हो गया मेथेनॉल और ये अभिक्रिया हमने करा दी। देखिए ये हमारा निर्माण निष्कासित हो गया आपका, ये प्लस और ये माइनस, और ये C6H5OH
बन गया हमारा एनी सॉल्व, बहुत फेमस है, आप इसको इस तरीके से भी बना सकते हैं। ये बेंजीन वाले आपका और दो सीएस है। तो देखिए इस प्रकार से हम फिनोल की अम्लीय प्रवृत्ति की अभिक्रियाएं पढ़ रहे हैं, फिनोल की अम्लीय प्रवृत्ति की अभिक्रियाएं पढ़ रहे हैं। और इन अम्लीय प्रवृत्ति की अभिक्रियाओं में देखिए सबसे पहले हम फिनोल की अभिक्रिया जो है सोडियम के साथ करा रहे हैं, सोडियम के साथ करा रहे हैं, एच प्लस आयन का तैयार हो रहा है और अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय अम्ल में एच प्लस आयन आसानी से दे दे। बहुत सिंपल प्रोपोजिशन है। तो देखिए एच प्लस आयन का तैयार हो रहा है, इस कारण से सोडियम फिनोक्साइड बन गया, तो वास्तव में फिनोल अम्लीय प्रकृति का हो रहा है। सोडियम हाइड्राइड के साथ तैयार करा रहे हैं, एच प्लस आयन का तैयार हो रहा है, हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रही है, ये आपका सोडियम फिनोक्साइड बन रहा है। अगली अभिक्रिया हम एल्किलीकरण एच प्लस और एच माइनस एल्किलाइड के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं, ईथर का निर्माण हो रहा है। अब हमने यहाँ ईथर का संश्लेषण, तो हमने मेथनॉल यानी एल्कोहल के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं फिनोल में, ये फिनोल की अभिक्रिया हम देखिए, फिनोल की अभिक्रिया हम करा रहे हैं, ये रहा आपका फिनोल, ये आपका मेथिल एल्कोहल मेथनॉल के साथ क्रिया करा रहे हैं, तो आपका एनिसोल बनता है। अगली अभिक्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट पढ़ रहे हैं नंबर पांच, वो है आपका विलयन संश्लेषण। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है आपकी, मेम्ब्रेन है, फेमस है, जो कि नाम से आती है अम्लीय प्रवृत्ति की अभिक्रियाओं के अंदर, देखिए वो है आपका विलियमसन संश्लेषण रिएक्शन नंबर पांच। हम रिएक्शन नंबर पांच पढ़ रहे हैं, विलियमसन संश्लेषण। देखो ये पूर्व की क्लास में भी आप पढ़ के हैं और यहां पर भी पढ़ रहे हैं विलियमसन संश्लेषण। देखिए जब हम फिनोल की अभिक्रिया C6H5O2H, ये हमारा फिनोल है, जब फिनोल की अभिक्रिया हम किसी एल्किल हैलाइड के साथ कराते हैं, किसी एल्किल हैलाइड के साथ कराते हैं, यानी जो सोडियम फिनोक्साइड जो बन रहा है विलियमसन संश्लेषण में, जिसमें आपका C6H5O2H सोडियम फिनोक्साइड की अभिक्रिया किसी भी एल्किल हैलाइड के साथ कराते हैं, जैसे एथिल ब्रोमाइड C2H5, ये हमारा हो गया एथिल ब्रोमाइड और ये हमारा हो गया सोडियम सोडियम फिनोक्साइड सोडियम की, ये प्लस और ये माइनस, एनी बी आर आपका बाहर निकल गया है और ये C6H5O C2H5+NaBr। तो ये आपका फेनिटॉल बन गया, बहुत फेमस नाम है, हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। देखिए ये बेंजीन वाला और ये आपका OC2H5, ये हो गया आपका फेनिटॉल। अगली अभिक्रिया रिएक्शन नंबर हम छह पढ़ेंगे, एसिटिलीकरण। रिएक्शन नंबर छह है हमारा एसिटिलीकरण, ये लीजिए एसिटिलीकरण अभिक्रिया पढ़ रहे हैं हम, फिनोल की अभिक्रिया C6H5O2H, ये हमारा फिनोल है और इसकी अभिक्रिया हमें C=CH3 यानी एसिटिल क्लोराइड के साथ कराते हैं, एसिटिल क्लोराइड के साथ हम करा रहे हैं फिनोल की अभिक्रिया, एसिटिल क्लोराइड के साथ पिरिडीन उपकरण C5H5N यानी कि पिरिडीन उपकरण की उपस्थिति में कराते हैं, यह आपका HCl का निर्माण हो जाता है। HCl का निर्माण होने के बाद में देखिए आपका जो है फेनिल एसिटेट का निर्माण हो जाता है, ये देखिए ये आपकी बेंजीन वाला है, ये आपका बेंजीन OCOCH3+HCl, ये बन गया हमारा फेनिल एसिटेट।
सी एस डी सी डबल ओ माइनस माइनस आपका हो गया एस ए। तो ये फाइनल समूह से जुड़ा हुआ है सी सिक्स एच फाइव, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सी सिक्स एच फाइव ओ सी डबल ओ सी एस डी, ये भी आपका फाइनल ऐसे बेंजीन वाले बनाकर भी आप लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो हमने आज की वीडियो में फिनोल की अम्लीय प्रवृत्ति की अभिक्रिया कर रहे हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमने सोडियम के साथ अभिक्रिया कराई, सोडियम फिनोक्साइड बना, सोडियम हाइड्राइड के साथ अभिक्रिया कराई, हमारा सोडियम फिनोक्साइड बना एच प्लस का त्याग हो रहा है। अगली अभिक्रिया में एल्कलीकरण कराई, हमारा ईथर का निर्माण हुआ। चौथी अभिक्रिया ईथर संश्लेषण कर रहे हैं जिससे हमारा एनिसोल का निर्माण हुआ। जब एल्कोहल की अभिक्रिया फिनोल के साथ कराते हैं तो मेथेनॉल के साथ यानी मेथिल एल्कोहल के साथ कराते हैं तो एनिसोल बनता है। इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, याद रखना आपको एनिसोल। अगला जो इम्पोर्टेंट है विलियमसन संश्लेषण नेमरिएक्शन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब हम सोडियम फिनोक्साइड की अभिक्रिया किसी भी एल्किल हैलाइड के साथ कराते हैं यानी एथिल ब्रोमाइड के साथ कराते हैं, हमारा फेनिटॉल यानी फेनिटॉल और एनिसोल इनकी संरचनाएं पूछी जाती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको ध्यान रखना है OC2H5 एथॉक्सी और मेथॉक्सी। इसके बाद में देखिए हमारा अगला छठी अभिक्रिया है एसिडीकरण यानी एसिडिक क्लोराइड के साथ अभिक्रिया हम क्लोरीन उत्प्रेरक की उपस्थिति में जब फिनोल के साथ कराते हैं तो हमारा फेनिल एसिटेट बनता है। तो देखिए स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अब हम नेक्स्ट रिएक्शन जो पढ़ेंगे वो है बेंजोइलीकरण। नेक्स्ट रिएक्शन हम पढ़ेंगे बेंजोइलीकरण। तो देखिए अपने रिएक्शन नंबर 7 है हमारी बेंजोइलीकरण, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नेम रिएक्शन के नाम से जानी जाती है। हम अम्लीय प्रकृतियों की अभिक्रिया पढ़ रहे हैं और बेंजोइलीकरण रिएक्शन नंबर आपकी है 7। रिएक्शन नंबर 7 आपकी बेंजोइलीकरण देखिए, और इसका नाम है सोटान बामान अभिक्रिया। वेरी वेरी नेम रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, इस नाम से ये जानी जाती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सोटान बामान अभिक्रिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूनिवर्सिटी के अंदर ये आती रहती है परीक्षाओं के अंदर। आपका विलियमसन संश्लेषण है बेंजोइलीकरण यानी सोटान बामान अभिक्रिया। जब फिनोल की अभिक्रिया बेंजोइल क्लोराइड के साथ कराते हैं तो देखिए C6H5O CH2CH5 ये हमारा हो गया बेंजोइल क्लोराइड। जैसे एसिडिक क्लोराइड का उसी प्रकार से हम इसके साथ अभिक्रिया करा रहे हैं और H प्लस का क्या अम्लीय प्रकृति पढ़ रहे हैं, ये इस प्रकार से हमारा हो गया। और ये देखिए आपका ये C6H5 bond C double bond O C6H, ये देखिए लास्ट एस सी। तो इस प्रकार से ये हमारा फेनिल बेंजो एट बन गया, ये फेनिल फेनिल बेंजो ए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ये हमारा फिनोल है। तो फिनोल की अभिक्रिया हम बेंजोइल क्लोराइड के साथ कराते हैं तो फेनिल बेंजोएट का निर्माण होता है। अगली अभिक्रिया बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ, आठवें नंबर की रिएक्शन पढ़ रहे हैं हम बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ हम अभिक्रिया पढ़ रहे हैं C6H5O bond HClSO2, और ये देखिए आपका ये हो गया हमारा बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ हम फिनोल की अभिक्रिया पढ़ रहे हैं।
आपका कोई है थोड़ा सा ऑक्सीजन माइनस आपका बाहर निकल गया क्योंकि आप अम्लीय है, प्रकृति पड़ रही है, बेंजीन सल्फोनेट क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं, तो HCl आपका बाहर निष्कासित हो जाएगा। और ये देखिए 6H5O SO2 और ये आपका बेंजीन प्लस HCl, ये हमारा फेनिल बेंजीन सल्फोनेट तो इस प्रकार से देखिए हमने ये बेंजीन सल्फोनेट क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करी, इससे ऊपर हमारी मैग्नेशियम बेंजोनियम कारण सोलर बाम अभिक्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगली अभिक्रिया हम जो कर रहे हैं PCl5 के साथ कर रहे हैं नंबर 9, वो है PCl5 के साथ फिनोल की अभिक्रिया PCl5 के साथ कर रहे हैं। देखिए H5O ये आपका P, ये आपका C और ये आपका Cl, Cl और ये हमारा निकल गया POCl3, ये प्लस और ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, C6H5Cl POCl3 प्लस HCl, ये बन गया हमारा क्लोरोबेंजीन, क्या बन गया हमारा क्लोरोबेंजीन। तो देखिए स्टूडेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हम सोडियम के साथ, सोडियम हाइड्राइड के साथ एल्किलीकरण, एल्किलीकरण के बाद इथर संश्लेषण, इथर संश्लेषण के बाद में विलयनसन, इथर संश्लेषण हमारा, इसके बाद में एसिडिलीकरण, बेंजोइलीकरण साथ में नंबर के अंक या इसको सोटन बामा अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है, और नंबर 8 है बेंजीन सल्फोनेट क्लोराइड के साथ हम कर रहे हैं बेंजीन सल्फोनेट क्लोराइड के साथ कर रहे हैं, जिसे फेनिल बेंजीन सल्फोनेट बन रहा है। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ अभिक्रिया पड़ी हमने, ये फिनोल है, ये हमारा PCl5 है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड क्लोरोबेंजीन POCl3 प्लस HCl का निर्माण हुआ। अब हम लास्ट रिएक्शन इसकी पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे हमने प्रकृति की नंबर 10वीं रिएक्शन है अमोनिया के साथ अभिक्रिया, वो है हमारी अमोनिया के साथ अभिक्रिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपकी। हम अमोनिया के साथ अभिक्रिया पढ़ रहे हैं, अमोनिया से अभिक्रिया नंबर 50 हमारी है NH3 के साथ, अमोनिया के साथ यानी बुच-रर नेम रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बुच-रर अभिक्रिया। देखिए स्टूडेंट्स नेम रिएक्शन से ज्यादा फेमस होती है रिएक्शन ये लीजिए, और इन नामों से पूछा जाता है C6H5O ये हमारा फिनोल है, फिनोल की अभिक्रिया अमोनिया के साथ करा रहे हैं और हमने अमोनिया को इस प्रकार से खोल के देखते हैं। हमारा देखिए अमोनिया के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं, ये हमारा निष्कासित हो गया आपका ये माइनस और ये प्लस, और देखिए C6H5NH2+3 और ये हमारा Na+। तो देखिए स्टूडेंट्स ने फिनोल की अम्लीय प्रवृत्ति की अभिक्रिया 10 रिएक्शन पढ़ी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट विलियम संश्लेषण, इसमें आपका फेनिटोल का निर्माण हो रहा है, बेंजोइलीकरण, सोटन बामन अभिक्रिया, और ये बहुत ही सिंपल सीधी रिएक्शन है। नेम रिएक्शन का ध्यान रखना है आपको, बुच-रर अभिक्रिया सबसे इंपॉर्टेंट, बुच-रर अभिक्रिया। देखिए स्टूडेंट्स नेम रिएक्शनों का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से देखिए फिनोल जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आप पूर्व की क्लासों में भी पढ़ के आए हैं। अब देखिए हम
इस टॉपिक के बारे में हम अमनीय प्रवृत्ति के बारे में हम देखिए इस वर्ष बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक प्रारंभ करने जा रहे हैं, वो है आपकी फिनॉल की इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। फिनॉल की इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, फिनॉल की इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो देखिए फिनॉल की इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया लिखिए, फिनॉल की इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के अंदर, क्योंकि फिनॉल के अंदर बेंजीन वलय होती है और बेंजीन वलय होने के कारण फिनॉल जो है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। और दो पैरा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अधिक होने के कारण यानी इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होने के कारण आने वाला इलेक्ट्रॉन स्नेही और दो पैरा स्थिति पर आकर जुड़ता है। इस कारण से फिनॉल जो है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। फिनॉल की सामान्य इलेक्ट्रॉन स्नेही एरोमेटिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया निम्न है। देखिए हम पूर्व के वीडियो में, इससे पहले वाला जो हमने वीडियो पढ़ा था उसमें आपको हमने फिनॉल की अनुनादी संरचना आपको बताई थी। यदि आपके समझ में नहीं आई हो तो हमसे पूछ सकते हैं, उसी के आधार पर हम पढ़ा रहे हैं फिनॉल की इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। देखिए इसमें जो फिनॉल के अंदर ये बेंजीन वलय होती है आपकी, ये बेंजीन वलय है, ये देखिए, और ये हमारा फिनॉल है। मैं फिर समझाता हूँ आपको, ये हमारा फिनॉल है और फिनॉल के अंदर ये इलेक्ट्रॉन बेंजीन वलय में प्रवेश कर जाते हैं। तो देखिए ये आपका अपना निहान है, ये बॉन्ड आपका ये रहा और ये डबल बॉन्ड और ये है और ये प्लस, वन टू पोजीशन आपकी ऑर्थो। अगली घटना में देखिए ये आपका यहाँ जाएगा, ये आपका यहाँ जाएगा, तो ये आपका ये यहाँ गया, ये यहाँ गया और ये आपका ये नेगेटिव चार्ज, ये पैरा आपका ओ बॉन्ड है और ये नेगेटिव प्लस। अगली घटना में क्या होगा, ये आपका यहाँ गया, ये लीजिए आप, ये आपका देखिए ये बॉन्ड आपका यहाँ गया, ये यहाँ गया और ये ओ बॉन्ड है और ये प्लस। अगली घटना में ये आपका यहाँ जाएगा, ये आपके दूसरे स्थान पर चले गया, ये लीजिए ये बॉन्ड आपका यहाँ गया, ये आपका यहाँ गया, ये यहाँ गया, ये बॉन्ड ओ एन, ये और दो पोजिशन। और हम यही पढ़ रहे हैं कि फिनॉल के अंदर बेंजीन वलय होने के कारण ये फिनॉल इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है और वो पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होने के कारण आने वाला इलेक्ट्रॉन स्नेही और वो पैरा पोजीशन पर आकर जुड़ता है और तो पैरा स्थिति पर आकर जुड़ता है। और हम फिनॉल की सामान्य इलेक्ट्रॉन स्नेही एरोमेटिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया निम्न कुछ अभिक्रियाएं हम फिनॉल की जो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हैं वो हम पढ़ रहे हैं। तो आने वाला जो इलेक्ट्रॉन स्नेही है वो ऑर्थो पैरा पोजीशन पर आकर जुड़ता है। तो देखिए अब नंबर एक अभिक्रिया पढ़ते हैं, इसमें तो देखिए आपको ध्यान रखना है ऑर्थो और पैरा पोजीशन। नंबर एक हम नाइट्रीकरण सबसे इंपॉर्टेंट है, पहली अभिक्रिया हम पढ़ रहे हैं वो है आपके नाइट्रीकरण। अब नाइट्रीकरण के अंदर भी नंबर एक कंडीशन है तनु HNO3, तनु नाइट्रेट अम्ल तनु HNO3 वह निम्न ताप 15 से 20 डिग्री सेल्सियस या 291 केल्विन ताप, निम्न ताप याद रखनी कंडीशन। और या तनु HNO3 की उपस्थिति में हम जब नाइट्रीकरण कराते हैं तो देखिए नंबर एक हमारा नाइट्रीकरण हम पढ़ रहे हैं। तो देखिए तनु
कम लहर जिसको हमने ये खोल के लिख दी, ये आपका नाइट्री कम लहर एच एन ओ थ्री को हमने डूब के लिख दिया, ये हमारा एच एच एस ओ फोर यानी एच टू एस ओ फोर है सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, और ये सल्फ्यूरिक अम्ल देखिए अब हमारा ये माइनस और ये प्लस, तो ये तो हमारा द्रव्यमान बन गया, ये हमारा एन ओ टू प्लस, अब देखिए इसमें जो ये हमारा बन गया इलेक्ट्रॉन स्ट्रिंग एन ओ टू और ये हमारा एच एस ओ फोर माइनस पहली रेशन, और हमें बनाना है इलेक्ट्रॉन स्ट्रिंग ही बनाना है, ई प्लस बन गया हमारा इलेक्ट्रॉन स्ट्रिंग। दूसरी स्टेप में देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन स्ट्रिंग बना है ये हमारा फिनॉल के साथ अभिक्रिया करेगा, अब फिनॉल के साथ अभिक्रिया करेगा तो देखिए ये फिनॉल है आपका, ये OH और ये NO2 हमने कहा ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर जाकर जुड़ता है OH और ये NO2 और ये H+, तो ये ऑर्थो ये पैरा है जो 1-2 पोजीशन को हम ऑर्थो कहते हैं, 1-2-3-4 पोजीशन को हम पैरा कहते हैं, ऑर्थो पैरा नाइट्रोफिनॉल और तो पैरा नाइट्रो ये फिनॉल का निर्माण हो गया। तीसरी स्टेप में देखिए ये एच प्लस और ये आपका एच एस ओ फोर माइनस और ये एस ओ एस ओ फोर ये उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है, वापस ये संकेत कार्य हो जाती है। तो देखिए स्टूडेंट्स हमने जो इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया पढ़ रहे हैं फिनॉल की, वो आने वाला जो इलेक्ट्रॉन स्नेह है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जहां इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक है वहां पर ऑर्थो पैरा पोजिशन पर जाकर जुड़ता है, और वही हमारे उत्पाद बन रहे हैं ऑर्थो पैरा नाइट्रो फिनॉल। ये देखिए ये हमारा NO2 प्लस यानी कि हमारा इलेक्ट्रॉन स्नेह ये प्लस एच प्लस के रूप में बाहर निकल गया हमारा, तो इस प्रकार से हमारा ये ऑर्थो नाइट्रो फिनॉल का निर्माण हो गया। पहली रिएक्शन हमने नाइट्रीकरण के अंदर नंबर एक का रिएक्शन ध्यान रखिए आपको तनु एच एन ओ थ्री डाइल्यूट वह निम्न ताप 15 से 20 डिग्री सेल्सियस यानी 298 केल्विन ताप पर, इसी की हम ये रिएक्शन पढ़ेंगे नाइट्रीकरण में सांद्र एच एन ओ थ्री की उपस्थिति में वह अधिक मात्रा में, ये अल्प मात्रा में थी HNO3 की अल्प मात्रा में हम पढ़ रहे थे, अब हम पढ़ेंगे अधिक मात्रा में, तो वो देखिए आप इसकी भी रिएक्शन हम नाइट्रीकरण के अंदर हम पढ़ रहे हैं वो है आपके सांद्र HNO3। देखिए इसमें सांद्र HNO3 वह अधिक मात्रा की उपस्थिति भी रिएक्शन है हमारी सांद्र यानी कंसंट्रेट एच एन ओ थ्री सांद्र एच एन ओ थ्री में अधिक मात्रा की उपस्थिति में अधिक मात्रा की उपस्थिति में ये भी है। तो देखिए हमने ये एच ओ बॉन्ड एन ओ टू ये हमारा नाइट्रेट अम्ल है नाइट्रेट अम्ल है प्लस ये भी हमारा अधिक मात्रा में ले रहे हैं हमें नाइट्रिक अम्ल को दो तरीके से तोड़ सकते हैं ये प्लस ये माइनस ये प्लस और ये माइनस इसके भी तीन अणु अधिक मात्रा में ले रहे हैं इसके भी तीन अणु 3SO प्लस 3NO2 प्लस और 3NO3 माइनस ये हमारा ई प्लस बन गया पहली स्टेप। दूसरी स्टेप में हम इसकी अभिक्रिया फिनॉल के साथ करा रहे हैं ये हमारा सांद्र है ये क्या करना है आपको कंसंट्रेट हम ले रहे हैं फिनॉल के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं अधिक मात्रा की उपस्थिति में और ये देखिए हमारा ये ओ एच और तो एनओ टू पैरा और ये एनओ अब मेरे यहां से तीन एच प्लस बाहर तो ये बन गया हमारा 2O6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल
यानी कि पितृक अम्ल का निर्माण हो गया। देखिए पितृक अम्ल का निर्माण हो गया हमारा पितृक अम्ल का निर्माण हो गया जो कि एक विस्फोटक पदार्थ है। ये लीजिए अब तीसरे स्टेप में क्या होगा प्लस और थ्री एन ओ थ्री माइनस तो थ्री एच एन ओ थ्री बन गया। ये लीजिए जो प्रेरक के रूप में काम कर रहे हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स हमने नाइट्रीकरण फिनोल की इलेक्ट्रॉन से प्रतिस्थापन अभिक्रिया में पहला पॉइंट हमने नाइट्रीकरण पढ़ा था और नाइट्रीकरण के अंदर हम पहली कंडीशन तनु एच एन ओ थ्री की उपस्थिति में अल्प मात्रा में 298 केल्विन ताप पर 15 से 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर अभिक्रिया करा रहे हैं। उसकी उपस्थिति में अभिक्रिया कराने पर हमारा ऑर्थो पैरा नाइट्रोफिनॉल बनता है। जब कंसंट्रेट एचएनओ3 में अधिक मात्रा की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो देखिए हमारा फिनॉल के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट उत्पाद 2,4,6,9 नाइट्रोफिनॉल यानी पितृक अम्ल जो कि विस्फोटक पदार्थ है। ये परीक्षा के अंदर पूछा जाता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। तो देखिए इसमें जो हमने फिनॉल की इलेक्ट्रॉन से प्रतिस्थापन अभिक्रिया के अंदर पहली अभिक्रिया पड़ी है नाइट्रीकरण। तो आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। अगले वीडियो में हम आपको नेक्स्ट रिएक्शन सैफोनीकरण पढ़ाएंगे। धन्यवाद स्टूडेंट्स।